नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी भारद्वाज राघव यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में आने वाली समस्या का संकेत किसी न किसी रूप में पहले से ही मिलने लगता है। आइए जानें वह क्या है कि जिस ग्रह की दशा में प्रभाव में हम होते हैं उसकी स्थिति के अनुसार हमें शुभ अशुभ फल मिलने लगता है। जब भी कोई ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल प्रबल रूप में देने वाला होता है तो वह कुछ संकेत पहले से ही देने लगते हैं। इनके उपाय करके समस्याओं से बचा जा सकता है। आइए जानें कि क्या आभास होता है जिससे कि हम पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपको सपने में मरा हुआ सर्प या छिपकली दिखाई देती है, धुएं में जाने से या उसमें से गुजरने का बार बार आपको अवसर मिले, या ऐसे व्यक्ति के पास जाने लगते हैं जो निरंतर धूम्रपान या नशा करता हो और आप भी उनमें शामिल होने का आपका भी मन करने लगे, किसी नदी या पवित्र कुंड के समीप जाकर भी आप स्नान न कर पाए, पाला हुआ जानवर पक्षी आपका खो जाए या मर जाए या मरे हुए ही दिखना, आपकी यादाश्त कमज़ोर होने लगती है, अकारण ही अनेक व्यक्ति आपके विरोध में खड़े होने लगते हैं, हाथ के नाखून आपके खराब होकर बड़े होने लगते हैं, या सपने में आप बार बार चलते चलते गिरने लगते हैं या आपके बाल गिरने लगते हैं, बंधी हुई कोई चीज़ अचानक खुलने लगे, घर में दरार जाले सीलन या दीमक लगने लग जाए, अचानक आपके बाल झड़ने लगे या सपने में आपको कम बाल दिखें, बार बार आप रास्ता भटकने की स्थिति आपके सामने आने लगे, व्यक्ति से कोई आवश्यक चीज़ अचानक खो जाती है। अगर आपको ऐसा सब दिखने या आपके साथ होना लगे तो आप पहले से अवेयर हो जाए और कुछ उपाय शुरू करें। राहु के कोई बीज मंत्र करें। आप राहु का मंत्र 108 बार करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करें। पक्षियों को प्रतिदिन आप बाजरा खिलाएं। एक नारियल 11 साबुत बादाम काले वस्त्र में बांधकर बहते जल में आप प्रवाहित करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और चांदी का सांप सर्पिन का जोड़ा चढ़ाएं। अपने साउथ वेस्ट पर पीले रंग के फूल लगाएं। तामसिक आहार या मदिरा पान बिल्कुल भी ना करें। अपने पास सफ़ेद चंदन अवश्य रखे चाहिए या सफ़ेद चंदन की कोई माला आप धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह चंदन का तिलक भी आप माथे पे लगा सकते हैं। अगर हो सके तो नहाने के पानी में चंदन का इत्र डालकर आप नहाएं। शिव साहित्य जैसे शिव पुराण आदि का पाठ भी करना शुरू करें। हाथी को हरे पत्ते नारियल गोले या गुड़ खिलाना शुरू करें। आप इसी तरह के छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपको अपनी जीवन की समस्याएं जो आपको सपने के या वैसे ही रूप में दिख रही हैं उनका कोई ना कोई आपको निवारण भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने बात की कि आपके जीवन में आने वाली समस्या का आभास आपको पहले कैसे होने लगे तो उसका क्या उपाय करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम आने वाले ताकि आपको सब्सक्राइब करने पर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। हम अपने नए विषय के साथ आपके साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।